जय शंकर। आज है डे 379। तो अब अपन हो चुके हैं रेडी। तो सबसे पहले अपन करेंगे मील को प्रिपेयर और उसको खाएंगे, फिर अपन थोड़ी वार्म अप स्ट्रेचिंग वर्क करके जिम भी करेंगे। तो आज अभी जो सबसे पहली चीज है, चेस्ट का हैवी वर्कआउट लगाना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो आज ओट्स प्रिपेयर करेंगे और खाएंगे। तो आज आपको मैं ओट्स बनाने की प्रक्रिया बताऊंगा कि कैसे बनाता हूँ मैं मेरे ओट्स, और कैसे मतलब आप भी बना सकते हैं अगर आप अपने प्री वर्कआउट मील में इनको ऐड करना चाहें तो। कोई घी नहीं है, कोई तेल नहीं है, नॉर्मल ओट्स हैं, थोड़े से हैं, कभी कभी ज़्यादा बन जाते हैं, कभी कभी थोड़े होते, तो आप देखते रहना। चलो चलते हैं ओट्स बनाने की प्रक्रिया में। तो फ्लेम ऑन हो गई है और अपने कढ़ाई चढ़ा दी है। तो अपने देखो कुछ नहीं करना, जीरा और ये नेक्स्ट राई डाल दे। अब ये अपने आप ही सिक जाएगी, थोड़ा सा हिलाना तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। उधर आलू तो उबल चुके हैं, ये देखो बस। अब इसकी आप देखना, कोई धीरे धीरे आपको पट 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 आवाज आने लग जाएगी इसके अंदर से। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देते हैं और बस। अब आप देखिएगा, इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि आप सोचोगे कहीं कट मार के घी तो ना डाल दिया। देखिए आपको पट पट की आवाज आ रही है, ये देखिए ये फूट रहे हैं ना, अपने फूट रहे। और राइस सिक चुकी है। अब नेक्स्ट अपन इसमें डालेंगे एक स्कूप अपने ओट्स, इनको भी हल्का सा लिटिल बिट रोस्ट कर लेंगे। ये एक अगर आपके पास प्रोटीन स्कूप नहीं है कोई दिक्कत बात नहीं है, आपके घर पे जो नॉर्मल आपको ऐसे चाय का कप मिल जाएगा अपने घर पे, आधा कर लेना, इसका आधा डाल देना इसके अंदर, इतने आधे ओट्स वो यूज कर लेना। तो मेजरमेंट लगभग सही होता है। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी बस, बहुत इतना बहुत, ये भी ज़्यादा ही हो गया, ठीक है चलता है, इतना बहुत होता है। लोग ऐड करेंगे अपना क्या कहते हैं इसको, पुदीना, और नेक्स्ट अपन डालेंगे थोड़ी सी चिली बस, और कोई मसाले नहीं डालने। हाँ अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है इसके अंदर, आप थोड़ा चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं। नमक भी मेरे लोड लगती नहीं तो नमक में डालता नहीं हूँ, बस इतना डाल दिया, बहुत अच्छे से सिकने दो आराम से। पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये भी ऑप्शनल है, ये है सूखे पुदीना, चाहो तो डालो चाहो तो ना डालो, बस ऑप्शनल है। डालेंगे इसके अंदर एक मुट्ठी अपने पनीर, बस इतना, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि हैवी होता था कि सुबह की मिली इतनी हैवी भी नहीं होनी चाहिए और इतनी लाइट भी ज़रूरी नहीं है। मम्मी जल्दी उठ गई तो उन्होंने थोड़ी सी मटर भी उबाल दी साथ में। तो अपन डालते हैं आलू, आलू थोड़े ज़्यादा हैं तो इतने यूज़ नहीं करेंगे अपन, बस अपन इतने यूज़ करेंगे। ये आलू ले लिए हैं, अब अपन ले लेते हैं मटर। ये अपने ले लिए हैं मटर और उसको मिक्स मार्क्स कर देंगे। आलू थोड़ा सा ऐसे कट कर रहे हैं, उसे बाहर भी कट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे भी कर लो क्या। ये मिक्स आवर ओट्स। सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली जो चीज़ रहेगी मेरी वो है पहले ग्रीन टी या फिर ब्लड कॉफ़ी, ये दो चीज़ होती है। इसमें मैंने दो रुपए वाले पाउच के कॉफ़ी के शीशे डाल दिए हैं। अपनी मील भी बनी चुकी है तो पहले ये पियेंगे, फिर इसके बाद अपन खाएंगे मील। एंड इसके अंदर है 1.5 चम्मच घी और कॉफ़ी, और इसके अंदर है सिर्फ ये अपना ग्रीन टी। दोस्त पूछता था कि भाई तेरे साथ के नाखून छोटे और इस साथ कितने बड़े क्यों हैं, इसके थोड़े से तो बड़े हो गए हैं बट इसका रीज़न है प्लकिंग करना, बस इतना है, क्लियर डाउट कर रहा हूँ। हाइजीन मेंटेन करना थोड़ा हार्ड होता है, हार्ड ही होता है मतलब, बस हाथ बहुत धोने पड़ते हैं जब आप खाना खा रहे होते हो, तो सब जो है मत ही बढ़ाना से। अगर आप गिटारिस्ट हो और प्लकिंग और करते हो नहीं, फिंगर स्टाइल और होता है गिटार के, तो उसके लिए होता है ये। कॉफ़ी का एक पाउच भी बहुत है बट आज दो डाल लिए, तो इनको इसको पीना कैसा लगता है अब तो आदत है। होता ना नो रिएक्शन वाला, तो ये बात है आ जाता है। सेकेंड ड्रिंक ग्रीन टी पीते हैं, इसका एक फ़ायदा बताता हूँ। अब मैं इसमें एक बार पानी और डालूंगा, एक और बन जाएगी, तो पानी डाल देते हैं और रख देते हैं, जाने से पहले एक बार और पी लेंगे। हाँ बताना तो भूल ही गया था, लेमन का रस भी एक पूरा नींबू डाल देते हैं इसके अंदर, और गुड डाइजेशन। ज़्यादा बन गए हैं
मुझे लग रहा है मेरे को स्कूप कम करना पड़ेगा, अभी इतने दिन ओट्स नहीं खाए, तभी ये भी ज़्यादा लग रहे हैं, तो अगली बार से अपन थोड़े से और कम बनाएंगे ओट्स, क्योंकि सारे वेजिटेबल्स और ये एड ऑन हो जाते हैं ना, तो इससे भी इनकी मतलब क्वांटिटी बढ़ने लग जाती है। ओट्स के इसको ढक के रख देंगे, साइकिलिंग कर लेंगे और पुशअप स्क्वाट लगा के स्ट्रेचिंग करके अपन निकल जाएंगे जिम, क्योंकि ओट्स खाली है। अब थोड़ी देर वेट भी कर लेंगे थोड़ी बहुत, अभी लिटिल बिट एडिटिंग भी कर लेता हूँ और उसमें करता हूँ, अभी टाइम है जिम में, तो सारे काम कर लेंगे, उसके बाद साइकिलिंग और करके पुशअप्स और करके अपन निकल जाएंगे जिम। थोड़ी बहुत एडिटिंग हो पाई है, ये कितना ही टाइम तो एडिटिंग में निकल जाता है, बट कोई बात नहीं, साइकिलिंग करेंगे 10 मिनट, उसके बाद वार्म अप स्टार्ट करके पुशअप स्क्वाट करके निकलते हैं जिम। शाम को जब अपन एमएमए करते हैं उसके जो वार्म अप है वो भी सेम ही रहता है, बस आपको स्ट्रेच और करना है, वार्म अप करना है, पुशअप्स लगा सकते हैं, जैसे स्क्वाट्स के ऊपर कम लगा सकते हैं, वो बेटर कंडीशन। अभी पहले तो आपको सब स्ट्रेच करना है, पुशअप्स लगा रहा हूँ, आई होप आपको दिख जाए, इंक्लाइन पुशअप्स दिखा रहा हूँ, डिक्लाइन भी लगा सकते हैं आप, दोनों लगा सकते हैं, मेरे को आगे से लीजिए, आगे से हल्का सा दाएं एंड को इसे दिखाने के लिए मैं नीचे फैट लगाऊंगा। नेक्स्ट जो स्क्वाट्स है वो आपको दिखा देता हूँ कैसे लगा सकते हैं, वो सबसे आपकी बढ़िया, मेरी थोड़ी लिटिल बिट नहीं है बट मैं ट्राई करता रहता हूँ उसे। और इसके 10-10 रेपिटेशन रहेंगे, इसको करके अपन निकल जाएंगे जिम, बस 2 मिनट और लगेंगे इसको भी, बस निकलते हैं फिर आज का स्टार्ट करते हैं। वर्कआउट हो रहेगा आम सर, नो ब्रो, चेस्ट चेस्ट करेगा। तो इस ब्रह्मांड की शक्तियों को लेके अपन निकल चुके हैं जिम, बार बार बताऊंगा चेस्ट का वर्कआउट है, ओह माय गॉड। जब ऐसी सुनसान गलियों से आप जाते हो तो क्या सोचते हो, जब आप जग रहे हो और बाकी सब सो रहे हैं, इसके अलावा क्या ही सोच सकते हैं। आसमान को तारामंडल नहीं दिख रहा होगा, पर ये जब मैं वीडियो डालूंगा तो फोटो खींच के एडिट करूंगा, जब आप देखना आपको तारामंडल कैसा दिखता है, मेरे आपके मेरे मतलब शॉर्ट वीडियोस में आपने देखा ही होगा। हाइपरएक्सटेंशन हो चुका है, अपन लगाएंगे 4 सेट के 4 चिन-अप्स, मैं 2 लगाता हूँ लगातार, उसके बाद एक एक सिंगल लगाता हूँ, बिकॉज गूंज रही थी आवाज़ तो मैं इसको वॉश अप कर रहा हूँ। अभी आप जैसे देख सकते हैं 1 एंड 2 भी लगातार आ गया है, बट 3rd एंड 4th मेरे को पैर नीचे रखने पड़ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए अब 3rd लगाऊंगा मैं, लाओ ये 3rd, एक लास्ट एंड 4th लगाएंगे। प्लस डन, अब 3 सेट और इसके वो लगाते हैं जल्दी जल्दी। फर्स्ट वर्कआउट अपना रहेगा फ्लैट बेंच, बट आज मैं भी जो गलती करने वाला हूँ, जो अब मैं 6 रेपिटेशन देखेंगे, वहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब मैं क्या होता हूँ, थोड़ा बेंच में बहुत पीछे सरक जाता हूँ, यानी पीछे लेट जाता हूँ ज़्यादा, तो इसका नहीं टक्कर जाती, हाथ को आगे करके मैं 9 रैप लगा के इसको रख देता हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि ये गलती वापस से मैं ना धो रहा हूँ। ये अपना है सेकंड सेट जो है 15 kg का, जिसके अपन 9 से 10 रैप लगाने के बाद उसको रख देते हैं, उसके बाद जाएंगे अपने 25 kg के अंदर। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लेटने के बाद मैं आगे हो गया हूँ, अब इसके अंदर मैं ट्राई तो करता हूँ 10 रेपिटेशन की, बट भैया और कोई साथ पीछे सपोर्ट नहीं, तो सेल्फ लगाने थे, तो इसमें मैं लगाता हूँ 1, 2 एंड नेक्स्ट जब 3 लगाता हूँ, जब मेरे को पता लग जाता है कि इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो 3 रखने के बाद मैं नेक्स्ट सीधा लगाता हूँ 22 kg, यानी 22.5 किलो का। अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं 22.5 किलो का 5वां सेट, क्योंकि 4 सेट तो हो गए थे, जो लास्ट था उसके अंदर अपने रैप ही कम आए थे, तो अभी अपन 22.5 किलो लगा रहे हैं, देख लीजिए 2 हो चुके हैं, ये 3, नेक्स्ट लगाता हूँ 4, अब मैं जब 5, ये जैसे अब मैं 5 लगाऊंगा और 6 लगाऊंगा, जब मैं इसको 7वां लगाने जाता हूँ, जब आप देखिएगा मेरे साथ क्या होने वाला होगा, ये 5, ये नेक्स्ट 6, अब जब मैं जैसे 7th अब लगाने जाऊंगा तो मेरा हो जाता है फेलियर हिट। अब नेक्स्ट इसमें होगा क्या कि जो मैं रॉड ऊपर रखने का जो ट्राई कर रहा होता हूँ, उसके अंदर मेरे को नीचे वाली रैंक के ऊपर लगाना पड़ता है,
इसलिए मैं कहता हूँ कि एक सपोर्ट के लिए पर्सन होना चाहिए। जब देखिए मैं पूरा लॉक हो चुका हूँ यहाँ पे, बट जैसे तैसे मैंने यहाँ पे रख दिया है। बेस्ट है कि नीचे लॉक अवेलेबल था, इस कारण मैं इसको आराम से रख देता हूँ। लाइक अगर आप इसमें सेफ्टी नहीं मेजर करते तो ये आपके ऊपर भी गिर सकती है। नेक्स्ट ये अपना है सेकंड वर्कआउट, इसका ये है फर्स्ट साइड जिसमें लगाएंगे 10-12 रेप्स, अपने आराम से इजीली आ जाते क्योंकि 10 kg इसके वेट की प्लेट डाली हुई होती है। ये अपना है थर्ड सेट जो रहेगा 17.5 kg का, इसके अंदर आप रैप गिनते 1, 2, ये अपना 3, नेक्स्ट 4, अब इसके बाद लगाएंगे 5 जो अपने स्लो हो चुके हैं यहाँ पे। 5 के आने के बाद मैं लगभग स्लो हो ही जाता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट अपन लगाएंगे 7, लेट्स गो 7। नेक्स्ट इसके बाद अपन लगाएंगे एक 8 एंड लास्ट, क्योंकि अब मैं 7 पे फेलियर हिट कर चुका हूँ। अभी अपन 8 लगाएंगे, जैसे तैसे ऊपर करेंगे ये अप 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 एंड ये अपना हो गया 8, पूरे 8 रैप्स आए हैं। ये अपना थर्ड सेट था। अब इसके बाद अपन ट्राई कर रहे हैं 20 kg का। जैसे कि आपने मेरे शॉर्ट वीडियोस में देखा होगा 375 हार्ड चैलेंज का, कि पीछे कोई पर्सन होता है तो मैं वेट आराम से लगा पाता हूँ, बट एक सेफ्टी जरूरी है, इस रीजन से मैं एक पर्सन खड़ा करता हूँ। यह हो सकता है आपका एक माइंड में एक सीनेरियो क्रिएट हो रहा है। अब देखिए 4-5 मैंने आराम से लगा ली है। अब इसके अंदर मैं लगाने रखता हूँ एक और ये धीरे धीरे 2 या 1 रैप और एक्स्ट्रा लगाएंगे और इसके बाद रोड को रख देंगे, क्योंकि ये अपना लास्ट सेट है। इसके अंदर जितने हैं उतना अपने को वेट ट्राई करना है। ये हो गए अपने लास्ट सेट। फ्लाई मशीन के अपन 30 kg से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ये जो नेक्स्ट अपना फर्स्ट सेट है वो लगाएंगे अपन 40 kg से। इसके अपन लगेंगे 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 kg तक, क्योंकि अपन 80 तो लगाते ही हैं, 5th में सेट लगाता हूँ इसके अंदर कम से कम, एंड 90 तो अपना क्या है कि एक अपने फेलियर को हिट करने का एक तरीका होता है। ये अब जो आप देख रहे हैं 70 kg समथिंग, जितना मुझे लग रहा है 70 ही होना चाहिए, मुझे याद नहीं इस वीडियो में कितना हो चुका है 70, और इसके बाद जो मैं 80 लगाता हूँ और लास्ट के अंदर जो मैं लगाऊंगा वो होगा अपना 90 kg का। ये इसका हो गया फर्स्ट रेपिटेशन, जो आप कह सकते हैं फर्स्ट रेपिटेशन नहीं है, बट ये मेरे लिए फर्स्ट रेपिटेशन ही था। नेक्स्ट ये अपन लगा रहे सेकेंड रैप, इसके बाद देखते हैं कितने और आने चाहिए। मैं कम से कम 6-7 लगाने का तो ट्राई करूँगा ही करूँगा। ये हो गए अपने 3, अब नेक्स्ट अपन लगाएंगे ये हो अपने 4, उसके बाद अपन लगाएंगे एक और 5, चलिए ब्रो अप जस्ट अप एंड ये अपना 5, वन मोर 6 तो लगा के रहेंगे अपना 6, लगेगा ये अपना फाइनल है, तो फाइनल ट्राई करते हैं। ये अपना हो गया 6। नेक्स्ट अपन फोर्थ वर्कआउट लगा रहे हैं डिक्लाइन बेंच। ये मेरा सेकंड रेपिटेशन है, पहला 10 था, अब नेक्स्ट अपना है ये है 15 kg का। इसके भी लगाएंगे 10-11 रैप और इसके बाद नेक्स्ट अपन लगाएंगे सीधा 25 kg का वेट। इसके अंदर ऑलमोस्ट अपन जो लगाएंगे वो लगाएंगे 8 रेपिटेशन, 3-4 आते हैं सेल्फ और उसके बाद भैया लगाते हैं लिटिल बिट सपोर्ट। ये अपना हो गया 4th, ये 5, चलिए अब नेक्स्ट लगाएंगे ये 6, ये 7 और अब एक लास्ट लगाएंगे जो अपना होगा 8। ये लास्ट ये अपना हो गया 8, अब इसको रख देंगे और इसके बाद अपन लगाएंगे डंबल प्रेस का वर्कआउट। फर्स्ट सेट में लगाऊंगा 20 kg का और सेकंड लगाऊंगा मैं 22 एंड जो थर्ड अपना होगा 25 और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये अपना फोर्थ सेट है जो वापस से मैं लगा रहा हूँ 25 kg का। इसके अंदर ऑलमोस्ट 5-8 रैप्स के समथिंग में लगते हैं। फोर्थ लगाने के बाद हाथ ऑलमोस्ट मेरा लॉक हो ही चुका है, इसके बाद मैं लगाता हूँ 5th और 6th अपना इसका होता है लास्ट रैप। ये अब देखिए ये मैं लगाने वाला हूँ ये 5th, ये जो अब लास्ट में ट्राई करता हूँ ये 6th होता है और ये होता है अपना फेलियर टाइप से ही। और इसको रखने के बाद अब मैं लास्ट लगाता हूँ पुल ओवर प्लस पुशअप्स का वर्कआउट। ये अपना पहला सेट, अब इसके अंदर हाथ थोड़े का स्ट्रेट होने चाहिए और कमर बैंड होनी चाहिए, जो मैं सभी हो ही नहीं सही तरीके से, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ और तरीके से सही लगाने के लिए। ये जो अपना पहला सेट है इसमें ये डंबल है 20 kg का, जो लास्ट अपना होगा वो होगा डंबल 30 kg का। इसके अंदर भी ऑलमोस्ट मैं लगा रहा हूँ 10 रैप्स और पुशअप्स जो मैं लगाऊंगा उसके भी मेरे को लगाने 10 रैप्स, यानी ये एक तरीके से मेरी 6 और पुशअप्स के साथ लगा रहा हूँ वो अपनी हो जाएगी 7th एक्सरसाइज। ये 2-3-4, ये 5, ये 6, ये 7, ये नेक्स्ट 8 और ये 9, एक लास्ट ट्राई करेंगे क्या नहीं 9 ही लग पाते हैं अपन से। ये अपना लास्ट सेट है, अब इसके अंदर हाथ छोड़े क्या स्ट्रेट होके पीछे जाने चाहिए, पर इसमें हाथ बैंड हो रहे हैं, बट कोई नहीं, इसके भी लगाते हैं 10 समथिंग रेपिटेशंस और इसके बाद लास्ट पुशअप्स का सेट लगा के मैं करूंगा कार्डियो। 1-2-3-4-5-6-7-8-9 एक लास्ट ट्राई करते हैं ये अपना 10 और इसको लगा के मैं निकल जाता हूं एप्स के लिए।
अपना चेस्ट का वर्कआउट हो गया है और एप्स का वर्कआउट आप जैसे मैंने बताया कि आप मेरे फर्स्ट वीडियो में और अपने थर्ड वीडियो में देख सकते हो। जो अपना फर्स्ट वीडियो था वो बाइसेप ट्राइसेप का था, उसमें देख सकते हो, और थर्ड वीडियो अपना शोल्डर वाला था आप उसमें देख सकते हो। यूज ऐसे ही आते हैं। तो अपन निकल गए घर, भी से कार्डियो करा नहीं है बिकॉज घर पे थोड़ा काम है। अगर 5-10 मिनट में वो हो पाया, लगता तो नहीं हो पाएगा, अगर हो गया तो कार्डियो घर पे ही स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ी देर 15-20 मिनट कर लेंगे, नहीं तो फिर शाम को था ही। प्रोटीन और क्रिएटिन ले लिया है और सपने थोड़ी देर पहले खा ही लिए थे, थोड़े से थे। अपनी फर्स्ट एंड लास्ट मील लेते हैं, भूख लगे तो बीच में बस पॉपकॉर्न खा लेंगे, एंड खीरे तो है ही अपनी, ये बस अपनी इतनी ही मील है। सेकेंड वर्कआउट स्टार्ट हो चुका है, इसमें अपन भी वापस करेंगे वॉक प्लस रनिंग। आज अपन वॉक करेंगे हाफ आवर और रनिंग ट्राई करेंगे कि हाफ आवर की रनिंग भी कर पाएं। अब मैंने अपने हाईवे रोड पकड़ी है, सीधा सीधा जाएंगे, सीधा सीधा। 13 मिनट हो चुके हैं और 0.82 किलोमीटर्स हो चुके हैं, यानी एवरेज 15 मिनट का शायद 1 किलोमीटर हो रहा है। ठीक है, 2 किलोमीटर होने के बाद रनिंग स्टार्ट करेंगे। एवरेज निकाल रहा हूँ, 15 या 16 मिनट होना चाहिए अपना। रनिंग स्टार्ट करते हैं, 2 किलोमीटर वॉक हो चुकी है, बाकी हाफ आवर ट्राई करेंगे कि रनिंग भी कर सकें। अपडेट, 10 मिनट का अपना एवरेज, इसका 1 किलोमीटर बना है, वो आपसे आइडिया आ गया, यानी 10 मिनट का 1 किलोमीटर, वॉक में 15 मिनट का 1 किलोमीटर था। हाई स्पीड कितनी गई थी अपनी? 23 हाई स्पीड, मानता है कि नहीं। बोल वर्कआउट 45 मिनट डन, फुल स्वेट एंड हवा टाइट, बट वी डन इट, अपने कर लिया। अब चलते हैं मंदिर, जल्दी से हाथ में धो लेंगे वहीं। स्ट्रेट पंच की बात कर ली, अपर कट की बात कर ली, अब बात करते हैं अपन अपर पंच की। ये कैसे होती है, वार्म अप स्ट्रेचिंग करने के बाद पुशअप्स और चाहे आप लगाए लगे आपके ऊपर है। पंच कैसे बनाना है आप मेरे किस वीडियो में देख सकते हैं, लेग वाले डे में मैंने बताया कि आप पंच कैसे बना सकते हैं, तो अपर पंच बनाएंगे। अब इसके अंदर क्या करना है, अप यानी वन अप, इसमें भी पैर हल्का सा, इस लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, कट हुआ तो ये है अपने अपर कट्स जिसे मैं बताना था। और अपनी ट्रेनिंग भी हो चुकी है, मंदिर से आ चुके हैं, दर्शन वर्शन सब बढ़िया हो गए हैं, जिम में आ जाओ। हाँ, वेट की बात कर लेते हैं, अपना ओवरऑल मेरा वेट देख लिया है, डे 1 के वीडियो में कितना था और डे 4 है इसके वीडियो में कितना, और कल डे 5 होगा और कल के वीडियो में कितना होगा वेट आप खुद देख सकते हैं। सो पूरे पसीने से लबालब भर चुके हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं। इसी के साथ हो गया आज का टास्क, आज के टास्क पूरे और आज का वीडियो भी कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं कल के हैवी बैक वर्कआउट के व्लॉग में, और जय शंकर जय श्री राम, जस्ट डू इट, नो एक्सक्यूज। स्टार्ट करने से पहले ही मेरा मोटिव था और आज भी रहेगा।